सीतामढ़ी पुलिस थाना क्षेत्र में बड़ा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया। एक छात्रा ने कॉलेज जाने के लिए पिता से वाहन की मांग की। परिस्थिति ठीक नहीं थी इसलिए पिता ने गाड़ी नहीं दिलाई। वाहन चलाने का पागलपन उसके सिर पर इस कदर चढ़ गया कि वह चोर बन गई। सीतामढ़ी थाना क्षेत्र से एक नहीं तीन दोपहिया वाहन चोरी किए। वह एक और वाहन चोरी करने की तैयारी में थी लेकिन पुलिस ने जाल बिछाकर उसे दबोच लिया। पकड़ी गई 21 वर्षीय छात्रा दुर्गा बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ती है। एक सीए की यहाँ काम करती है और खुद सीए बनने की तैयारी में थी। उसके पिता कन्फेक्शनरी का व्यवसाय करते हैं। उसने अपने पिता से गाड़ी की भी मांग की थी। आर्थिक परिस्थिति का हवाला देते हुए पिता ने गाड़ी दिलाने से इनकार कर दिया लेकिन दुर्गा ने ठान लिया था कि उसे वाहन चाहिए। ऐसे में उसने मास्टर की का इंतजाम किया। सीतामढ़ी के मेट्रो स्टेशन से एक दोपहिया वाहन चोरी किया। कुछ दिन वह गाड़ी चलाने के बाद दोबारा एक गाड़ी चोरी की। इस तरह तीन गाड़ी चोरी करके कुछ दिन चलाती और बाद में अपने दोस्तों को दे देती। एक के बाद एक तीन वाहन चोरी होने से पुलिस भी परेशान हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर युवती गाड़ी ले जाती दिखाई दी। मुंह पर दुपट्टा बंधा होने के कारण उसे पहचाना जाना मुश्किल था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने मेट्रो स्टेशन परिसर में जाल बिछाए रखा। शुक्रवार को पुलिस ने उसे दबोच लिया। रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए दुर्गा वाहन चोरी करके दो दिन निर्जन स्थान पर छोड़ देती थी। बर्डी पोलीस स्टेशन च्या हद्दीमध्ये वारंवार टू व्हीलर चोरीच्या घटना घडत आहेत। त्याकरता आमचा स्क्वॉड आम्ही ऍक्टिव केला होता। काल मेट्रो स्टेशन सीताबर्डी येथून एक टू व्हीलर चोरीला गेली होती। त्या संदर्भात सीसीटीव्ही फुटेज आम्हाला मिळालं होतं। त्यामध्ये एक संशयित महिला दिसून येत होती। त्यानुसार बर्डी पोलीस स्टेशनच्या डीबी टीमने वर्कआउट करून त्याचप्रमाणे वॉच ठेवून सदर चोरीच्या केसमध्ये एका 21 वर्षाच्या मुलीला ताब्यात घेतलं। तिच्याकडे चौकशी केली असता व सीसीटीव्ही फुटेज व्हेरीफाय केला असता तीच मुलगी असल्याचे आढळून आले। त्यामुळे तिला मोटर वाहन चोरीच्या गुन्ह्यामध्ये आम्ही अटक केलेली आहे। सदरची मुलगी जी आहे ती उच्च शिक्षित आहे। त्याचप्रमाणे वयाने 21 वर्षाची आहे। एवढी तरुण असून देखील ती वाहनांच्या चोऱ्या करत होती। तिच्याकडे एक डुप्लिकेट चावीही मिळून आलेली आहे। चौकशी अटक केल्यानंतर तिला चौकशी तिच्याकडे चालू आहे। आत्तापर्यंत जवळजवळ बर्डी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतून चोरून गेलेल्या तीन वाहनांचा आत्तापर्यंत तिने कबुली दिलेली आहे। परंतु आता रिमांड घेऊन त्यानंतर इतर बाकी चौकशी तपास चालू आहे। याच्यामध्ये शक्यता आहे अजून तिचे कोणी साथीदार असण्याची शक्यता आहे। त्या दृष्टीने आम्ही तपास करीत आहोत। सदरची मुलगी ही वाहन चोरी करून दुसऱ्या ठिकाणी एक किंवा दोन दिवस वाहन त्या ठिकाणी ठेवत असे आणि दोन दिवसानंतर येऊन ते वाहन घेऊन जात असे। आता ती कोणाला हँडओव्हर करत होती किंवा विकत होती याच्या बाबतीत तपास आमचा चालू आहे। पुलिस को संदेह है कि इस काम में दुर्गा का और भी लोगों ने साथ दिया है, इसलिए पुलिस हिरासत में उससे पूछताछ की जा रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।